राहुल गांधी का प्रदेश दौरा आज। जी हाँ, आपको बता दें कि 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। सबसे पहले जालौर में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम, उसके बाद अजमेर के बांदनवाड़ा में दूसरी सभा होगी राहुल गांधी की। कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुंझुनवाला के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं कोटा में राहुल गांधी की तीसरी सभा होगी, जहाँ उम्मेद सिंह स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। और साथ ही सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट भी उनके साथ नजर आएंगे, और साथ ही प्रभारी अविनाश पांडे भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। प्रदेश दौरे पर हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, और आज 3 जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। कांग्रेस प्रत्याशी रिजु झुंझुनवाला के समर्थन में भी जनसभा को संबोधित करेंगे अजमेर में। आपको बता दें कि राहुल गांधी का प्रदेश दौरा है आज, और 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। सबसे पहले जालौर में जनसभा को संबोधित करेंगे, और अजमेर के बांदनवाड़ा में होगी राहुल गांधी की दूसरी जनसभा, जहां कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुंझुनवाला के समर्थन में इस जनसभा को संबोधित करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि तीसरी जनसभा कोटा में होगी राहुल गांधी की, उम्मेद सिंह स्टेडियम में इस जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर अब ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं राहुल गांधी भी। आज राहुल गांधी प्रदेश दौरे पर हैं, और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता दिनेश कसाना फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी दिनेश, बताएं क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए लवेना, मिशन 25 को लेकर प्रदेश के जो नेता हैं वो तो चुनाव प्रचार में जुटे हुए ही हैं, साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी स्टार प्रचारक भी हैं, वो भी 2 दिन पूर्व रैली करके गए हैं बेणेश्वर धाम में, और आज भी उनकी 3 सभाएं रखी गई हैं जनसभाएं। सबसे पहले जालौर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में उनकी जनसभा होगी, उसके बाद अजमेर में जो कांग्रेस प्रत्याशी है रिजू झुंझुनवाला उनके समर्थन में बांदनवाड़ा में कांग्रेस की जनसभा होगी, और कोटा में जो कांग्रेस प्रत्याशी रामनारायण मीणा है उनके समर्थन में भी राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे, कांग्रेस के पक्ष में वोट की जनता से अपील करेंगे। साथ ही जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रभारी अविनाश पांडे भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। जी दिनेश, बताएंगे जो पहली जनसभा है जो जालौर में होनी है, उसके लिए क्या कुछ टाइम रखा गया है? देखिए लवेना, 11:30 बजे का टाइम रखा गया है, उसके अकॉर्डिंग राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। और दिनेश, क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर राहुल गांधी आज जनसभा करने वाले हैं? देखिए 5 मुख्य रूप से बिंदु राहुल गांधी लगातार जो विवाद हो रहे हैं प्रदेश में, देश भर में जो न्याय योजना को राहुल गांधी ने जिक्र किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर को मैनिफेस्टो में भी शामिल किया गया है, सरकार बनने की न्याय योजना लाई जाएगी जिसके माध्यम से देश भर में गरीबी मिटाने का काम किया जाएगा, ऐसे महिलाओं को रिजर्वेशन की बात हो, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात, तमाम ऐसे मुद्दे जो राहुल गांधी लगातार बनाते रहे उन मुद्दों पर फोकस किया जा रहा है, और जनता को उन मुद्दों के माध्यम से ही वोट की अपील की जा रही है। जी दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, राहुल गांधी आज प्रदेश दौरे पर हैं, और इसी के मद्देनजर 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, और सबसे पहली जनसभा 11:30 बजे के टाइम बताया जा रहा है, जो कि जालौर में होने वाली है।